अलवर कांड को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे। 3 घंटे में 3 किलोमीटर चली पुलिस की गाड़ी। एसपी ने कहा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अलवर कांड पर डीजी एनआर के रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मृतक को पहले पुलिस थाने लेकर आई, बोले सही समय पर नहीं हुई कार्रवाई। अलवर कांड को लेकर राहुल का हमला। कहा, यह है न्यू क्रूर इंडिया। पीयूष गोयल ने राहुल को नफरत का सौदागर बताया। बिहार के मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर आरजेडी ने मांगा नीतीश से इस्तीफा। मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई रेप पीड़ित के शव की तलाश में खुदाई, नहीं मिला कोई सबूत। मुजफ्फरपुर महिला गृह में रेप का मुद्दा सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में उठाया। 29 बच्चियों से रेप की आशंका। राहुल की पीएम उम्मीदवारी का तेजस्वी ने नहीं किया सीधा समर्थन। कहा, सब लोग मिलकर तय करेंगे। जेडीएस के प्रमुख और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने राहुल की पीएम उम्मीदवारी का समर्थन किया। महाराष्ट्र में टूट जाएगा शिवसेना बीजेपी का गठबंधन। अमित शाह ने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी को कहा। मराठा आरक्षण के विरोध के चलते सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नहीं की पंडरपुर में विट्ठल की पूजा, घर पर ही पूजा की। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर औरंगाबाद में युवक ने दी जान। ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण के लिए चल रहा है महाराष्ट्र में आंदोलन। हल चलाता किसान चुनाव चिन्ह मिलने के बाद रायपुर में किसान के खेत पहुंचे अजीत जोगी, मंच पर ही चावल सब्जी खाई। अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी ने सीएम रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव से खेत चलो अभियान की शुरुआत की। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने ली बीजेपी की सदस्यता, पिछले हफ्ते ही राज्यसभा सांसद बने हैं। बिहार में बदला शराबबंदी का कानून। पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर 50,000 रुपए जुर्माना भरा तो जेल नहीं जाएंगे। हिमाचल के मंडी में शादी वाले घर में भीषण आग में जिंदा जले 5 लोग, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। बिहार को सूखा ग्रस्त घोषित करने की तैयारी में सरकार। पटना में नीतीश ने की अधिकारियों के साथ बैठक। राजस्थान के 12 में नदी में डूबी जीप, लोगों ने 2 युवकों को किसी तरह बचाया। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी का 567 साल पुराना किला बारिश में ढहा, लगातार हो रही बारिश से आ गई थी सीलन। ओडिशा के संबलपुर में बाढ़ में फंसे बुजुर्ग को रस्सी के सहारे सुरक्षित बचाया गया। एमपी के सीहोर में डैम में डूबी जीप, जन्मदिन मनाने गए भोपाल के रहने वाले 5 लोगों की मौत। अमरनाथ में बाबा बर्फानी का शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया, श्राइन बोर्ड यात्रा खत्म करने पर कर रही है विचार। उत्तराखंड के चमोली में जान जोखिम में डालकर लोगों ने किया नाले को पार करने के लिए लकड़ी के पुल का निर्माण। मॉब लिंचिंग की घटनाओं से चिंतित गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, 4 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। अमरनाथ में बाबा बर्फानी का शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया, श्राइन बोर्ड यात्रा खत्म करने पर कर रही है विचार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।